हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पास्ता मैक्रोनी की ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं। जब आप इस तरह से इसको बनाएंगे, एक तो बेहद आसान है इसको बनाना और दूसरा बच्चे से बहुत शौक से खाएंगे। बच्चे क्या, बड़े भी प्लेट चाट जाएंगे, आप देखना, आपको भी बेहद पसंद आने वाली है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने पानी को गर्म किया और ये जो मैक्रोनी है इसको पहले हमने धुल लिया था एक बार पानी से, एक दो बार। इसमें पानी में डालने के बाद फिर हमने यहाँ पर 1 टीस्पून या थोड़ा सा आप बस कुकिंग ऑयल इसमें डालिएगा और इसको हमें बॉइल कर लेना है। इससे क्या होता है, ये जो माइक्रोनी पास्ता होता है वो चिपकता नहीं है आपस में। फिर हमने यहाँ पे एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म करके हमने इसमें 3 लहसुन की कलियाँ बारीक काट के डाल दी है, थोड़ा सा प्याज, 2 हरी मिर्च भी हमने बारीक काट के डाल दिया था। प्याज जैसे ही हल्का ब्राउन सा होना शुरू हुआ, हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज का टमाटर काट के डाल दिया है। अब ये भाई सॉफ्ट हो जाए तो टमाटर के साथ में नमक ज़रूर ऐड करना होता है, तो टमाटर के साथ में नमक ज़रूर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी पसंद की अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा शिमला मिर्च और गाजर को एकदम बारीक काट के डाला है। बस इसको हमें थोड़ा सा कुक करना है जब तक कि थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाता। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब हमने यहाँ पर नमक थोड़ा सा और ऐड कर दिया है क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा ही नमक डाला था उस टाइम पर जब टमाटर के साथ में। और यहाँ पर नमक डालने के बाद सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और आपको ये बेहद पसंद आएगा, एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। मैक्रोनी हो या पास्ता हो, आप इस तरह से बनाएं एक बार, बच्चे क्या बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे। तो यहाँ पे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और यहाँ पे हमने जो ये मैक्रोनी को बॉईल करके रखा है, इसको इसका पानी निकाल दिया है हमने और अब हम ये इसमें ऐड कर देंगे। इसमें डालने के बाद इसमें हमें अब कुछ मसाले ऐड करने हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे करीब 2 टीस्पून भर के टोमेटो केचप, इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा, ज़रूर आप इसको ऐड करें। और इसके बाद यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, या आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च नहीं डालिए। और यहाँ पर डाल देना है हमें एक आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरेगानो, बस अच्छे से मिला लेना है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च और चिली फ्लेक्स दोनों ऐड करें, या फिर हल्का सा लाल मिर्च पाउडर का भी आप यूज़ कर सकते हो। ये बस अच्छे से मिला लेना है और खाएगी गर्मा गर्म। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।